गोलू मोलू रॉड और मोंटी आज पिकनिक मनाने जाएंगे, इसलिए सभी बाबा के पास आए हैं। बाबा अब जल्दी से हमें पिकनिक के लिए ले चलो। बाबा जादू से एक बस मंगाते हैं। गोलू मोलू रॉड और मोंटी जल्दी से इस बस में बैठ जाओ। ठीक है बाबा। बाबा गोलू मोलू रॉड और मोंटी बस में बैठ जाते हैं। गोलू आज पिकनिक मनाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ मोलू। चलो तो अब चलते हैं। बाबा बस चलाने लगते हैं और उसे दूसरे जंगल में ले जाने लगते हैं। गोलू मोलू और मोंटी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके एग्जाम खत्म हो गए हैं और वो अब पिकनिक मनाएंगे। बाबा बस को दूसरे जंगल ले आते हैं, पर वो जंगल बहुत ही सुनसान रहता है। जंगल से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। अले बाप ले, जंगल से तो बहुत डरावनी आवाज आ रही है बाबा। डरो मत मोलू, ये सब जानवर की आवाजें हैं। ठीक है बाबा, पर ये सब आवाजें सुन के मोंटी की पैंट गीली हो जाती है। तभी रास्ते में एक पेड़ गिरा रहता है। बाबा बस को रोक देते हैं। मुझे ये पेड़ हटाना होगा, तभी हम बस को आगे ले जा पाएंगे। बाबा बस के बाहर आ जाते हैं और जादू से पेड़ को हटा देते हैं। हो, 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 पेड़ हट गया, चलो अब चलता हूँ। तभी बाबा देखते हैं कि बस के सारे टायर पंचर हैं। क्या हुआ बाबा? रॉड गोलू मोलू और मोंटी बाहर आ जाओ। रॉड गोलू मोलू और मोंटी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आपने हमें बाहर क्यों बुला लिया? गोलू मोलू रॉड, बस के सारे टायर पंचर हो गए हैं, अब हम बस से नहीं जा सकते। बाबा ये जंगल कुछ सही नहीं है। हा हा हा, डरो मत गोलू, मैं और बाबा जहाँ है वहाँ डरने की जरूरत नहीं। ठीक है रॉड, आज रात हमें इसी जंगल में रुकना होगा। बाबा अपने जादू से टेंट बना देते हैं। आज रात हमें इसी टेंट में सोना पड़ेगा। ठीक है बाबा। ठीक है चलो सोते हैं। बाबा गोलू मोलू रॉड और मोंटी टेंट में सोने लगते हैं। तभी कोई मोंटी को बुलाता है। मोंटी मोंटी। मोंटी उठ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। मोंटी। मोंटी टेंट के बाहर आ जाता है। कौन मुझे बुला रहा है? मोंटी। मोंटी इधर उधर देखने लगता है कि उसे कौन बुला रहा। तभी मोंटी पीछे घूमता है। ग्रैनी मोंटी को मार के बेहोश कर देती है। ग्रैनी मोंटी को लेके मॉन्स्टर के साथ जाने लगती है और यहाँ बाबा गोलू मोलू रॉड सो रहे हैं। उन्हें नहीं पता ग्रैनी मोंटी को लेके कहाँ जा रही है। यहाँ ग्रैंडपा घर के बाहर खड़े होके ग्रैनी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज ग्रैनी और ग्रैंडपा मोंटी को मार के खाएंगे। ग्रैनी मॉन्स्टर के साथ मोंटी को लेके आ जाती है। हा हा, मैं मोंटी को लेके आ गई हूँ, चलो अब इसको अंदर बांध देते हैं। ग्रैंडपा और ग्रैनी मोंटी को लेके घर के अंदर आ जाते हैं और एक कमरे में लॉक कर देते हैं। ग्रैनी बाहर आके मॉन्स्टर से कहती है, मॉन्स्टर जाओ और बाबा गोलू मोलू रॉड को मार दो। ठीक है ग्रैनी। मॉन्स्टर उड़ के बाबा गोलू मोलू रॉड को मारने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ बाबा गोलू मोलू रॉड मस्त गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ग्रैनी ने उन्हें मारने के लिए मॉन्स्टर को भेजा है। सभी मॉन्स्टर बाबा के टेंट के बाहर आ जाते हैं और टेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चलो अब बाबा गोलू मोलू रॉड को मारते हैं। तभी बाबा की आँख खुल जाती है। गोलू मोलू रॉड जल्दी उठो, हम कोई मुसीबत में हैं। अले बापले, बाबा मोंटी कहाँ गया? वो भी तो यहीं सो रहा था। जल्दी से हमें टेंट के बाहर निकलना होगा। यहाँ मॉन्स्टर बाहर अपनी शक्तियों से टेंट में धमाके करने वाले हैं। तभी बाबा गोलू मोलू रॉड दौड़ के टेंट के बाहर आ जाते हैं। अरे ये बाबा गोलू मोलू रॉड तो बच गए। मॉन्स्टर तुमने मोंटी को कहाँ छिपा के रखा है? मोंटी आज रात मारा जाएगा और तुम सब भी। बाबा अब नहीं बचेगा तू।
मास्टर तेजी से बाबा को मारने के लिए आते हैं। बाबा ये मॉन्स्टर तो हमें मार देंगे। शांत हो जाओ गोलू मोलू, ये मॉन्स्टर की अभी नानी याद दिलाता हूँ। रॉड तुम मॉन्स्टर को फ्रीज करो जल्दी से। हा, अभी करता हूँ बाबा। बाबा एक मॉन्स्टर फ्रीज हो गया। बाबा जादू से मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। बाबा छोड़ दो मुझे, मोंटी को ग्रैनी लेके गई है। ये ग्रैनी कहाँ मिलेगी? बाबा जंगल में ग्रैनी का घर है, उसी में ग्रैनी ने मोंटी को कैद किया है। बाबा ने मास्टर को मार दिया। गोलू मोलू रोट, ग्रैनी मोंटी को अपने घर लेके गई है, हमें जल्दी से ग्रैनी का घर खोजना होगा। बाबा पर हम ग्रैनी का घर कैसे खोजेंगे? बाबा जादू से हेलीकॉप्टर लाते हैं। गोलू मोलू रोड जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। ठीक है बाबा। बाबा गोलू मोलू रोड हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और ग्रैनी का घर खोजने लगते हैं। बाबा यहाँ तो आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। बाबा वो रहा ग्रैनी का घर। बाबा हेलीकॉप्टर को ग्रैनी के घर के पास ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर लैंड करा देते हैं। बाबा गोलू मोलू रॉड ग्रैनी के घर जाने लगते हैं। हा, चलो बाबा अब ग्रैनी को मारते हैं। यहाँ ग्रैंडपा और ग्रैनी मोंटी को मारने की तैयारी करते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा को नहीं पता बाबा उन्हें मारने आ रहे हैं। चलो अब इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ बाबा गोलू मोलू रॉड ग्रैनी के घर के नीचे आ गए हैं। मैं ग्रैनी से अकेले नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मॉन्स्टर को मारने में मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं। तुम लोग सावधान रहना। ठीक है बाबा। बाबा गोलू मोलू रॉड धीरे धीरे घर में जाने लगते हैं। तभी ग्रैनी पैरों की आवाज सुन लेती है। हमें यहाँ से चलना होगा, घर में कोई आ गया है। ग्रैनी और ग्रैंडपा मोंटी को लेके बालकनी से कूद जाते हैं। बाबा यहाँ तो मोंटी है ही नहीं। लगता है ग्रैनी मोंटी को लेके भाग गई। बाबा ये ग्रैनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्दी से निकलना होगा। बाबा गोलू मोलू रॉड दौड़ के हेलीकॉप्टर के पास आते हैं, पर हेलीकॉप्टर तो ग्रैनी लेके भाग गई है। बाबा हेलीकॉप्टर कहाँ है? ग्रैनी मेरा हेलीकॉप्टर लेके भाग गई है। अले बाप ले, अले बाप ले। बाबा अब क्या करेंगे हम? अब हेलीकॉप्टर का दूसरे दुनिया में जाने वाले कुएं के पास ले चलो। बाबा ये ग्रैनी मोंटी को लेके कहाँ गई होगी? बाबा लगता है ग्रैनी मोंटी को दूसरे दुनिया में ले जाने वाली है। तभी बाबा जादू से ड्रैगन को बुलाते हैं और बाबा का ड्रैगन आ जाता है। गोलू मोलू रोड जल्दी से ड्रैगन पे बैठ जाओ। बाबा गोलू मोलू रोड ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और मोंटी को खोजने लगते हैं। बाबा लगता है ग्रैनी मोंटी को मार देगी। तभी रॉड को दूसरे दुनिया में जाने वाला कुआं दिखता है। बाबा वो रहा दूसरी दुनिया में जाने वाला कुआं। बाबा ड्रैगन को कुएं के पास ले जाते हैं। गोलू मोलू रॉड जल्दी से इस कुएं में कूद जाओ, ये हमें दूसरी दुनिया लेके जाएगा। बाबा गोलू मोलू रॉड कुएं में कूद जाते हैं और दूसरे दुनिया में आ जाते हैं। बाबा ये दूसरी दुनिया तो बहुत डरावनी है। मास्टर जाओ, बाबा गोलू मोलू रॉड इस दुनिया में आ गए हैं, जाओ खत्म कर दो उन्हें। ठीक है ग्रैनी। और डायनासोर तुम जाओ रॉड को उठा लाओ, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। ठीक है ग्रैनी। मास्टर और डायनासोर ग्रैनी के कहने पे बाबा गोलू मोलू रॉड को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। बाबा अब हमें ग्रैनी कहाँ मिलेगी? तभी पीछे से आके डायनासोर रॉड को उठा लेता है। बाबा बचाओ मुझे। अले बाप ले डायनासोर। बाबा जल्दी से कुछ करिए, डायनासोर रॉड को लेके जा रहा। तभी मॉन्स्टर आके बाबा का रास्ता रोक लेते हैं।
बाबा और गोलू मोलू अब नहीं बचोगे तुम। गोलू मोलू मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा मैं मॉन्स्टर से। बाबा आप जल्दी से लावा मॉन्स्टर को बुला दो, वो इन दोनों मॉन्स्टर की बैंड बजा देगा। बाबा जादू से लावा मॉन्स्टर को दूसरी दुनिया में ले आते हैं। क्या हुआ बाबा? लावा मॉन्स्टर, जल्दी से इन मॉन्स्टर को खत्म कर दो। ठीक है बाबा। लावा मॉन्स्टर आइस मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये लावा मॉन्स्टर तो बहुत पावरफुल है, चलो मिलके इसे फ्रीज कर देते हैं। मॉन्स्टर मिलके लावा मॉन्स्टर को फ्रीज कर देते हैं। अले बाप ले, बाबा आइस मॉन्स्टर ने तो लावा मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया। तभी लावा मॉन्स्टर बर्फ तोड़ देता है। अब तुम दोनों तो गए। लावा मॉन्स्टर अपने शक्तियों से आइस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और यहाँ डायनासोर रॉड को लेके ग्रैनी के पास आ जाता है। ग्रैनी रॉड को बंदी बना लेती है। लावा मॉन्स्टर अब हमें जल्दी से ग्रैनी के पास ले चलो। ठीक है बाबा। बाबा गोलू मोलू लावा मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाते हैं और ग्रैनी को खोजने लगते हैं। यहाँ ग्रैनी और ग्रैंडपा तलवार लेके मोंटी और रॉड को मारने जा रहे हैं। रुक जाओ ग्रैनी। ये बाबा कैसे बच गया? ग्रैनी बाबा को जिंदा देख के गुस्से में आ जाती है। अले वाह, मोंटी तो जिंदा है बाबा। बाबा जादू से रॉड और मोंटी को खोल देते हैं और होश में ले आते हैं। डायनासोर खत्म कर दो इस बाबा को। ठीक है ग्रैनी। तभी बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और डायनासोर की पूंछ पकड़ के नचा देते हैं और डायनासोर को बहा देते हैं। आज इस बाबा को मार के रहूंगी मैं। ग्रैनी बहुत गुस्से में आ जाती है। ग्रैनी जादू से इनफाइनाइट मॉन्स्टर को बुला लेती है। अले बाप ले, बाबा इतने सारे मॉन्स्टर, अब क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट मॉन्स्टर को देख के गोलू मोलू की पैंट गीली हो जाती है। बाबा ये मॉन्स्टर हमें मार देंगे। बाबा जादू से कवच बना देते हैं। गोलू मोलू तुम दोनों इसी कवच में रहना, इस ग्रैनी और मॉन्स्टर की अभी बैंड बजाता हूँ। ग्रैंडपा तलवार लेके रॉड को मारने के लिए बढ़ते हैं। रॉड ग्रैंडपा को फ्रीज कर देता है और किक मार देता है। मॉन्स्टर खत्म कर दो इन सबको। लावा मॉन्स्टर खत्म कर दो इन सारे मॉन्स्टर को। ठीक है बाबा। रॉड तुम फ्रीज करते जाओ सारे मॉन्स्टर को। ठीक है बाबा। लावा मॉन्स्टर एक एक करके मॉन्स्टर को मारने लगता है और रॉड सारे मॉन्स्टर को फ्रीज करते जाता है। बाबा मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं सारे मॉन्स्टर को फ्रीज कर पाऊँ। तभी आइस मॉन्स्टर रॉड को किक मार देता है। अले बाप ले, बाबा मॉन्स्टर ने रॉड को मार डाला। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर मिलके बाबा को फ्रीज कर देते हैं। अले बाप ले मोलू, मॉन्स्टर ने तो बाबा को फ्रीज कर दिया। गोलू लगता है ये ग्रैनी अब खत्म कर देगी हम सबको। लावा मॉन्स्टर बाबा को अनफ्रीज कर दो। लावा मॉन्स्टर बाबा को अनफ्रीज कर देता है। ग्रैनी तू तो गई अब। बाबा ग्रैनी को किक मारते हैं। मॉन्स्टर तुम तो गए अब। बाबा सुपर हीरो जैसे उड़ के सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। ग्रैनी ऐसे हम बाबा से नहीं जीत पाएंगे। लावा मॉन्स्टर सारे आइस मॉन्स्टर को मार देता है। ग्रैनी को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी ग्रैंडपा को अनफ्रीज कर देती है। अब टाइम आ गया है उसे बुलाने का। ग्रैंडपा अपने शक्तियों से मॉन्स्टर गॉड को बुलाते हैं।
मॉन्स्टर गॉड आ जाता है। अले बाप ले, ये मॉन्स्टर गॉड तो बहुत बड़ा है। मॉन्स्टर गॉड खत्म कर दो इन सबको। ठीक है ग्रैनी। मॉन्स्टर गॉड लावा मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। बाबा बचाओ, ये मॉन्स्टर गॉड मुझे मार डालेगा। अब तेरा खेल खत्म ग्रैनी। पापा ने ग्रैंडपा ग्रैनी और मॉन्स्टर गॉड को मार दिया।